नाजरीन इस वक्त मौजूद है मियाँ साहब कबूल गोट और खुदाबशगर रोड बीच वाली मेन गली में, जहाँ सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है। आइए इन एल इलाके से पता करते हैं कि क्या परेशानी है। जी एक सियासी समाजी और बुजुर्ग दोस्त के तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यामीन कबूल से पूछते थे क्या मसाइल है यहाँ पे। ये सेवरेज का निज़ाम कई सालों से तबाह है। यहाँ का जो ज़िले काउंसिल का सेनेटरी इंचार्ज है मुश्ताक मंत्रू, वो कई सालों से यहाँ के इलाके के मकीनों को सिर्फ ये आश्रय दे रहा है कि ये हो जाएगा हो जाएगा, मगर ये अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। ये गंदा पानी घरों में, मस्जिदों में और दुकानों में जा रहा है, तो ये कई सालों से इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। हम कह रहे हैं कि ये जो करोड़ों अरबों रुपये की बजट है ज़िला काउंसिल की, वो आखिर किस खाते में जा रही है। हम आला हुकाम से, सिंध हाई कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो पुराना मसला है सेवरेज का, ये हल करके और ये जो मुश्ताक मंत्रू है इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये जो फंड्स हैं ज़िले काउंसिल के सेवरेज के हवाले से वो कहाँ पे ये खर्च कर रहे हैं, ये लोगों को सिर्फ दिलासे दे के ये फंड्स खा के हड़प कर रहे हैं सर। जी नाज़रीन एक दूसरे इलाके के मौजूद बैठ खड़े हुए हैं, उनसे पता करते हैं। जी साहब वालेकुम। यहाँ से सालों से ये गटर लेने सेवरेज का काम ही नहीं हो रहा, लाखों रुपए बजट आ रही है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जब भी यूसी ऑफिस जाते हैं वही बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, होता नहीं। घरों में पानी आता है, मस्जिदों की गलियों में पानी आता है, ये सालों से ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। जी नाज़रीन इस वक्त हम दोबारा एक इलाके के मौजूदीन और बुज़ुर्ग कमेटी के सीनियर अखबार शफीक ठकरो से पता करेंगे कि क्या यहाँ के क्या मसाइल है, और सेंट्री वर्कर जो इंचार्ज है यहाँ के मुश्ताक मिट्टू, उनके बारे में क्या कहने के, उनके ऊपर किसका हाथ है। जो यूसी पिपरी पूरा इलाका गटर सेवर लाइन के मुकम्मल तबाह है, वो कोई भी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा, तो आज पूछते हैं शफीक ठकरो साहब से तो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही बात कहूँगा कि मुश्ताक मिट्टू जो है सियासी बुनियाद पर ये बंदा रखा गया है यहाँ ज़िला काउंसिल बिन कासिम मलिक पे, क्योंकि ये काम करने के लिए है नहीं। 15 सालों से मैंने 10-12 दरख्वास्तें जो है रिसीव करवाए हैं कि इसको रीफिनिशिंग करो। इनके पास जो बंदे हैं वो डाकारा बंदे हैं, इन्होंने जितने भी बंदे रखे हैं अपने पास वो बीमार हैं, और जब वो आते हैं तो पूरा दिन एक गटर एक मेन होल पर लगा लेते हैं, और शाम को 500 दोपहर को 500 उसको खाना के लिए दिया जाता है। हमें फिर दूसरे दिन वही काम हो जाता है, लेकिन ये रीफिनिशिंग करने का कोई प्रोग्राम नहीं रखता। मैं डीसी साहब से अपील करूंगा और एडमिनिस्ट्रेटर साहब, ये बार बार मैं करता हूँ, पानी के बारे में भी किया, अब ये भी बात कर रहा हूँ, उन्हीं से मैंने रिसीव करवाई है, दरख्वास्त इनके पास है, यूसी के एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी ले गया, चीफ ऑफिसर से भी 2 दिन पहले मैंने करवाई है, लेकिन उसको फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन उठाता ही नहीं है, आते ही नहीं है। उनके बंदे जो हैं नाकारा बंदे हैं, ये खाली बजट खा रहा है सियासी बुनियादों पे, ये मुश्ताक मिट्टू बजट खा रहा है, इलाके का कोई काम नहीं कर रहा, इलाके में सिर्फ गंदगी फैली हुई है। आप खुद ही नज़र फिराएं, खुद ही इसकी इंक्वायरी करें तो बेहतर रहेगा। हम फिर भी आप अपील करते हैं डीसी साहब, क्योंकि हमारा जिले डिस्ट्रिक्ट का डीसी भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो उसी के हाथ में पावर है। मैं चीफ ऑफिसर से भी 2 दिन हुआ है रिसीव करवा के गया हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये आप देखें गटर लाइन कैसे चल रही है, हर आए दिन हम इसके पैसे भर लेते हैं, इसके लिए पैसे देते हैं, ये अगर इदारे से भी आते हैं तब भी हम इनको 500 रुपया खाने के लिए देते हैं, बाबर आके बैठ के चला जाता है, कोई फ़ायदा नहीं रहा। 25 मैनहोल है, ज़्यादा भी नहीं है, इनको रीफिनिशिंग करना इनका काम नहीं है। ये नई लाइन तो डालेंगे लेकिन असल सही लाइन को साफ सही नहीं करेंगे। इनका मकसद ये है कि बजट को हड़प करना, तो लिहाजा आप इनकी इंक्वायरी करें, तो हमें कंप्लेनर ना बनाए, रोज़ाना रोज़ हम कंप्लेन करते रहें, एक दिन हमारा काम किया जाए। हमें भी और भी दुनिया के काम है, फलाई काम है करना, सिर्फ हमें ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए दौड़ना हमारा लिए अच्छा नहीं है।
है मेहरबानी है हमारे लिए पानी का मसला हल करे। ये भी अभी तक नहीं हुआ है, पानी का मसला हल नहीं हुआ, पूरी मैनेजमेंट नाकारा है सिवाय डीसी साहब आपके, चीफ ऑफिसर साहब के और इंजीनियर, सब इंजीनियर जो है आसिफ अली शाह साहब के, बाकी सारी मैनेजमेंट जो है नाकारा है। बरए मेहरबानी इन पर नज़रसानी करें और इनकी तहकीकात करें ताकि इलाके वासियों को जो फ़ायदा मिले। यहाँ समझो कि बेरूद है, बेरूद और हम फलस्तीनी लगे पड़े हुए हैं, पता नहीं हम फलस्तीन से आए हुए हैं तो ये काम नहीं हो रहा, तो ये इसराइलों को आप जो है ना इसके ऊपर कोई अटैक करें ताकि हमारी जान जुट जाए। मेहरबानी।